गौतम कुमार ये स्पेशल कैटेगरी से हैं, मॉडल मेकिंग में मूलतः बेगूसराय से आप आते हैं। इनका विषय बहुत ही रोचक है, सृजनात्मक वैज्ञानिक नव प्रवर्तन, वैज्ञानिक मॉडल बनाना इनका इनकी रुचि है और वैज्ञानिक मॉडल बनाने में इन्होंने कई प्रयोग किए हैं और जिसके लिए इन्हें आज वार्षिक से वर्ष 2016 से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही प्रतिभावान गौतम कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। अभी हमारे साथ हैं एक छात्र गौतम कुमार, जिन्हें कि बालश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये बेगूसराय के लिए एक बहुत ही अच्छा गर्व की बात है कि बेगूसराय के एक लड़के को, गांव के लड़के को जो है सम्मानित किया गया है। हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे, गौतम से हम बात करेंगे कि सम्मान मिला कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस सम्मान के लिए आप किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले मेरे विद्यालय के प्रधान और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित संत कुमार सहनी सर को मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने परिवार वालों और मेरे सभी और सभी लोगों का सम्मान श्रेय देना चाहूँगा। अच्छा, आप किस विद्यालय के छात्र थे? और मैं जब यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी 2016 में, उस समय मैं क्लास सिक्स में उत्कल माध्यमिक विद्यालय खरमौली में पढ़ता था और अभी MRJD कॉलेज बेगूसराय में पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में? 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अभी आपको जो है सम्मान मिला, आपको कैसा लग रहा है? सम्मान मिलने के बाद आपको कैसा लगा? आपको यह सम्मान बड़ा सम्मान है, बहुत अच्छा लग रहा है यह सम्मान पाकर। आप जो है अभी जिस सम्मान किस लिए आपको मिला है? यह सम्मान वैज्ञानिक नवाचार के उप विषय मॉडल मेकिंग के संबंध में मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें मॉडल बनाना विभिन्न चीज़ों का होता है। किस चीज़ का आपने मॉडल बनाया था वहाँ पर? सर्वप्रथम बेगूसराय में DNA का मॉडल बनाकर ले गया था। उसके बाद चयनित होने के बाद पटना में मैंने गाड़ी का मॉडल शिक्षक के द्वारा दिया गया था वो बनाया। उसके वहाँ चयनित होकर दिल्ली बाल भवन दिल्ली में यह प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें शिक्षक के द्वारा दिए गए थे फेफड़ा तथा स्टेथोस्कोप का मॉडल, वहाँ पर मैंने वो बनाया था। ये वहाँ पर चयनित होकर मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ। अभी आपको सम्मान मिल रहा है, जैसे अब सम्मान प्राप्त हो गया है तो अभी आप गांव में निकलते हुए लोग क्या सोच रहे थे आपके बारे में, कैसा लग रहा था गाँव में जब? बहुत अच्छा लगता है जब इतना बड़ा सम्मान पाकर आपको देखकर लोग खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी आप जिस जगह सम्मान प्राप्त करने गए थे वहाँ तो बहुत सारे जो है बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे भी आए होंगे, शहर के बच्चे भी आए होंगे, और जो है आप गांव से गए थे तो आपको वहाँ पर किस तरह दिक्कत हुई थी? नहीं, पहले जब प्रतियोगिता हो रही थी उस समय दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में यहाँ अब पुरस्कार प्राप्त करते समय कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छा, ये बालश्री सम्मान पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी है आपको, बता सकते हैं बालश्री सम्मान पुरस्कार क्या है? यह बालश्री सम्मान राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें यह बच्चों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है बालश्री। आपने बेगूसराय में किस चीज़ का मॉडल बनाया था? आपने मॉडल का चर्चा किया था कि मॉडल बनवाया जाता है, तो बेगूसराय में आपने किस चीज़ का मॉडल बनाया? बेगूसराय में मैंने DNA का मॉडल बनाकर ले गया था। कहाँ पर ले गए थे? बेगूसराय। बेगूसराय में कौन लोग जांच किए थे, किनके यहाँ ले गए थे, किस जगह पर ले गए थे आप? जगह याद नहीं है। अच्छा, और बेगूसराय के बाद आप किस जगह पर गए थे? पटना बाल किलकारी भवन पटना में, वहाँ पर गाड़ी का मॉडल बनाने के लिए दिया गया था। उसके बाद आप फिर आगे बढ़े होंगे? वहाँ उसके बाद बाल भवन दिल्ली में प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर स्टेथोस्कोप और फेफड़ा का मॉडल बना दिया गया था। तो अभी हमारे साथ थे छात्र गौतम कुमार थे, जिनको कि बाल से सम्मानित किया गया था, और अभी हम इनके जो है यहाँ पर
इनके गार्जियन लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करें कि इनको जो है बालश्री सम्मान पुरस्कार मिला है, कैसा महसूस हो रहा है। ये देश का सर्वोच्च, एक बच्चे के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार को पाकर हर एक पिता बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा, उसी तरह हम भी महसूस करें जो मेरा बच्चा राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित हुआ और उसको सम्मान मिला। इसको जो है सम्मान दिलाने के लिए आपको किस तरह से आपने मेहनत किया था, क्या कुछ? बच्चे में कुछ न कुछ विशेष होता है, तो इसमें कुछ विशेष जो दिखा उस क्षेत्र में हम लोग ध्यान दिए जिसको उस क्षेत्र में बढ़ाना है। और बच्चे को कभी दबाव में मत रखिए, एक गार्जियन के नाते हम सभी गार्जियन से अपील करेंगे जो कि बच्चे पर कभी दबाव अपना प्रभाव ना डालें, वो स्वतंत्र रूप से उसको जो करना है करने देना चाहिए, ये सबसे मेरी अपील है। तो हमारे यहाँ हमारे साथ थे छात्र गौतम के पिता थे, उनसे हमने जाना था, उन्होंने सारे गार्जियनों से भी एक अपील की है कि कभी भी जो है बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाइए कि ये काम आपको करना ही है। तो अभी हमारे साथ उनकी माता भी हैं, उनसे भी हम जाने का प्रयास करेंगे। आपसे कोई इतना बड़ा सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है आपको? इतना बड़ा सम्मान पाने के बाद किसी भी माता या पिता को बहुत ही खुशी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। अभी जो है जैसे अब आप इनको गौतम को सम्मान मिला है, तो अभी आप गांव क्षेत्र में निकलते होंगे तो कैसा लगता है आपको? गांव क्षेत्र में निकलते हैं तो सभी तो लगभग में कहिए पूरा जहां भी हम जाते हैं तहाँ सब गौतम के बारे में एकदम शाबाशी दे रहे हैं। बहुत ही ये खुशी की बात है कि मेरे लड़का को सभी जगह के लोग शाबाशी दे रहे हैं। हम अभी मौजूद थे बीरपुर प्रखंड के खरमौली गांव में, और यहाँ जो है बालश्री सम्मान से सम्मानित छात्र गौतम के घर पर हैं, और अभी हमने आपको मिलवाया था छात्र गौतम से। तो इसी तरह की तमाम अपडेट को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।